सॉरी। पापा, आपको आने की क्या जरूरत थी? एकदम चुप, कुछ मत बोलो। हम प्लीज 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 सॉरी। बेटा मैं आने ही वाली थी लेकिन excuses, हमेशा excuses ही होते हैं ना मम्मा। मेरे साथ ना होने की excuses, क्योंकि किट्टू तो important है ही नहीं, बस आपका काम important है। मैं मेरे किसी भी काम के लिए आपके पास आती हूँ तो आप पापा को इशारा कर देती हो करने के लिए। आप थक जाती हो पर तब भी आपका काम करना तो जरूरी है ना, क्योंकि पापा साल में जितने भी केसेस लड़ते हैं उससे आई हुई इनकम काफी नहीं है ना घर चलाने के लिए। कैसे समझाएंगे कि मेरी मम्मी का काम करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पापा मैनेज नहीं कर सकते घर चलाने का खर्चा। आपके पास तो मिली टाइम ही नहीं है मम्मा, और पापा ये तो मुझे हर जगह एम्बैरेस कर देते हैं। देखिए बंदर एम्पायर की लग रही हूँ मैं, जब मुझे संभाल ही नहीं सकते थे तो अडॉप्ट किया ही क्यों, रहने देते ना मुझे अनाथ आश्रम में। मैं कुछ दिनों के लिए वंदना आंटी के घर रहने जा रही हूँ। आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? सारे बच्चों के साथ हर जगह सबकी मम्मियां ही आती हैं, पर
मेरे साथ हर जगह पापा ही जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आज पापा ने पूरी क्लास के सामने मेरा तमाशा बना दिया। हर जगह जाऊंगा मैं उसके साथ। जब भी वो हाथ बढ़ाएगी मैं खड़ा रहूंगा उसका हाथ पकड़ने के लिए। शर्मिंदा हो तो हो, पर मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे चाहिए ही नहीं कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे मम्मा चाहिए, पापा नहीं। ओके, ठीक है, तुम्हें पापा नहीं चाहिए। पर किट्टू ये बताओ कि कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जिनके मम्मी नहीं बल्कि पापा सुबह जल्दी उठ के उन्हें रेडी करते हैं, उनके लिए गरम गरम टिफिन बनाते हैं, हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा ना अलग है, बेस्ट है बेस्ट। तुम और यामिनी आंटी उनके लिए बहुत जरूरी हो। परिवार से ज्यादा जरूरी और क्या होता है? हूं मैं अलग बाप। किट्टू को बुरा लगता है कि यम बाहर जाके काम करती है और उसका पापा घर संभालता है, पर मुझे इसमें जरा भी शर्म नहीं आती, बल्कि गर्व होता है। जब भी मेरी बीवी थक हार के काम से लौटे तो मैं अपने हाथों से उसके लिए गरम गरम चाय बनाऊं, उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाऊं, अपनी बेटियों को संभालूं, ताकि मेरी हम पर जरा भी बोझ ना पड़े। हमारे डैडी इतने बिजी रहते हैं कि हम तो वेट ही करते रहते थे किट्टू कि कभी डैडी आए स्कूल। और एक दक्कू अंकल है जो अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अब तुम ही बताओ, दक्कू अंकल चाहे तो ऐसा भी सोच सकते थे ना कि घर संभालना तो औरतों का काम होता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना बीवी की हेल्प करूंगा ना बेटी का ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते सब कुछ यामिनी आंटी संभाल रही थी, तो क्या सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा था? नहीं ना, तुम स्कूल भी लेट से पहुंचती थी और टिफिन में तुम्हें वही सेम ब्रेड जैम बटर मिलता था। लेकिन जब दक्कू अंकल सब कुछ संभालते हैं तुम एकदम टाइम पे पहुंच जाती हो, है ना? किट्टू, पता है दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो शादी और बच्चों के बाद भी चाहती है कि काश मैं बाहर जाकर कुछ काम कर पाऊं, अपने सपने पूरे कर पाऊं, अपने लिए नाम बना पाऊं। पर ऐसे बहुत कम पति है जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग दे और अपने बीवी से जाके कहे कि तुम जाओ काम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, घर और बच्चे मैं सब संभालूंगा। तुम्हारे पापा उन कम पतियों में से एक है, और माँ बाप भी तो इंसान ही है ना किट्टू, वो भी सीख रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियां होंगी। लेकिन क्या गलती करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा के भाग गए? नहीं ना। और तुमने क्या किया? उनकी छोटी सी गलती के वजह से तुमने उनकी परवरिश पे ही सवाल उठा दिया और अपना सामान लेके यहाँ चली आई। जब भी मैं रूल्स की बात करता हूँ ना, तो वो केवल स्वयं दर्शन तक सीमित नहीं होते, उसके अंतर्गत आते हैं कुछ सारे रूल्स, एक अच्छा पिता होने के रूल्स। फिर चाहे मेरी बेटी मेरा हाथ छिटक दे, मुझे नकारा समझे, एक अच्छा पति होने के रूल्स। फिर चाहे सोसाइटी वाले, किट्टू के स्कूल वाले मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाए और बोले वो देखो वो जा रहा जोरू का गुलाम, वो ये देखो देखो ये रहा किट्टू का पापा जिसकी बीवी बाहर जाके काम करती है, और ये माँ की तरह किट्टू के सारे काम करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है। नहीं आती मुझे शर्म।
आती शर्म मुझे हंसी का पात्र बनने में, नहीं। लेकिन आज दिल रुका है, बहुत रुका है। जिन रूल्स पर मैं गर्व महसूस करता हूं, उन्हीं रूल की वजह से मेरी बेटी को तकलीफ पहुंची और उसने बोल दिया कि हमारी बेटी होने से अच्छा वो अनाथ आश्रम में रहती। ओह माय गॉड, शायद मेरी गलती थी। इस समाज के बनाए रूल के ऊपर मैं अपने रूल्स को समझता था, पर क्या करूं, रूल्स फॉलो ना करें तो फूल्स को बैठू। थैंक यू सखे। किट्टू की कुछ बात हुई दक्कू अंकल से? किट्टू का कल एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट है, दक्कू अंकल आएंगे? आपको क्या लगता है, गलती किट्टू की है या दक्कू अंकल की? गलती किसी की नहीं है सखी, बच्चों को बाल पोस कर बड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। तो बदलती उम्र के साथ साथ अपने माँ बाप के प्रति बच्चों की भावनाएं भी बदलती रहती है। तो कभी कभी माँ बाप बेस्ट फ्रेंड्स लगते हैं, कभी वही माँ बाप जानी दुश्मन लगते हैं। कभी कभी लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स जितना अंडरस्टैंडिंग तो कोई है ही नहीं। फिर वही बच्चा अपने माँ बाप से कहता है आप तो मुझे समझते नहीं हो। और किट्टू के साथ जो हो रहा है वो ऐसा नहीं कि तुम लोगों के साथ नहीं हुआ, अलग अलग एज ब्रैकेट्स में बच्चे अलग अलग इमोशनल क्लोजनेस फील करते हैं, कभी माँ के साथ तो कभी बाप के साथ। और सखी मैडम, आप खुद कुछ कम नहीं थी, हाँ रोज लड़ती थी डैडी से कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आप कभी मेरे स्कूल ही नहीं आते, रिमेम्बर? बेसिक थिंग इज बच्चों को माँ बाप कभी ना कभी दुश्मन लगते ही है। हाँ, शायद कहते नहीं होंगे लेकिन मन में ये ख्याल आता है बच्चों के कि क्यों पैदा किया हमें, पर धीरे धीरे समझ में आता है कि माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। राइट, देखते हैं किट्टू ये बात कब और कैसे समझती। थैंक यू। अच्छा बोली ना यामिनी भाभी, देखो भाई नहीं आए। नहीं आए, उसे लगा कि किट्टू नहीं चाहती कि वो आए। मैंने उसे मनाया लेकिन वो कह रहा है कि वो बाद में आएगा। और अब आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पाद शाह। नमस्ते। नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसम प्रपा, अर्थात माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू। इतनी खूबसूरती से पार्थ ने अपनी माँ को सृष्टि का दर्जा दिया है। और अब हमारी फाइनल पार्टिसिपेंट किट्टू जोशीपुरा। दक्कू दुनिया का सबसे बेस्ट पति है और बेस्ट पिता है, लेकिन दक्कू साल भर में जितने भी केसेस चलाता है उससे जितनी भी इनकम आती है वो काफी नहीं है घर चलाने में। अब ये सब मैं किट्टू को कैसे समझाऊं? उसके माँ का काम करना बहुत जरूरी है।
उसके पापा नहीं मैनेज कर सकते घर चलाने का खर्चा। पापा घर नहीं संभाल सकते इसलिए मम्मा को मुझसे दूर रहना पड़ता है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। उन्होंने मुझे अपनी कोख में जन्म नहीं दिया पर प्यार ऐसा किया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी अपनी नहीं हूँ, मैं उनकी ही हूँ। और सोचिए कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास ऐसी एक नहीं बल्कि दो दो माएँ हैं। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है पर उनसे भी अच्छी है मेरी दूसरी माँ यानी कि मेरे पापा। हम बच्चे अक्सर अपनी माँ के बलिदानों का बखान करते हैं कि उन्हें कैसे अपने काम छोड़कर घर संभालना पड़ा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। माँ को अक्सर त्याग की मूर्ति का दर्जा दिया जाता है लेकिन मेरी माँ को ऐसा कोई बलिदान नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे पापा ने माँ बनकर अपने घर और बेटी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने अपने सपनों को भुलाकर मेरी माँ और मेरे सपनों को पूरा करने में अपनी खुशी ढूंढ ली। मेरे पापा से अच्छी माँ, अच्छा पिता और अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। मैंने कई बार जाने अनजाने में लोगों को उनके ऊपर हंसते देखा है, उन पर मजाक बनाते देखा है। मैं खुद भी उनसे नाराज हुई हूं पर अब समझ में आया कि वो सबसे अलग है। वो औरतों पर ये जाहिर नहीं होने देते कि वो पुरुष है, ये उनका काम नहीं है। उल्टा वो खुद मानते हैं कि उनका ही काम है कि वो औरतों को देवी का दर्जा दें। वो खुशी खुशी सुबह जल्दी उठकर मुझे तैयार करते हैं, टेढ़ी सही लेकिन मेरी चोटी जरूर बनाते हैं, मुझे गरम गरम टिफिन बनाकर देते हैं, घर के सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी का पर्स भी उठाकर देते हैं क्योंकि उनके एक पिता होने के और एक पति होने के कुछ अलग ही रूल्स हैं। फिर भले ही लोग उन्हें जोरू का गुलाम बुलाएं, मेरे पिता की जगह मेरी माँ कहकर चिढ़ाएं या फिर मैं उनका दिल दुखाऊं, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ मेरे पापा नहीं है बल्कि वो मेरी माँ से भी अच्छी माँ है। और ये बात तो मेरी मम्मा भी मानेंगी। आज तक हुआ क्या होता है? पापा
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.